बात है उनका भी, मतलब सभी लोग बढ़िया समझने लायक। वैसे तो हमारे बहुत लेक्चर हो गए इस पर, वो लेके सुन लेना पूरा। सबसे पहली बात यह है, अज्ञानता ही बीमारी की जड़ है। हम शरीर को जानते नहीं है, जैसे आत्मा कही थी ना, ऐसे शरीर को हम जानते नहीं। क्या नहीं जानते? शरीर प्रति समय सिग्नल देता है, लेकिन हम उसे परखते नहीं है, समझते नहीं है। एक भी आदमी को कैंसर अचानक नहीं होता, गठिया भाई एक दिन में नहीं हुई जी, लेकिन छोटी छोटी बीमारियों को बर्दाश्त करते जाते हैं। अरे कुछ नहीं, जरा दर्द है, जरा खांसी है, जरा डकार है, जरा खट्टा खट्टी डकार आ रही, जरा गैस बन रही है, अरे आज हमने वो खा लिया था ना इसलिए वो गैस बन गई। ये आपके भ्रम है सारे के सारे। जिसे आप जरा समझ रहे हो, ये बीमारी का पहला सिग्नल है। इस बीमारी के पहले सिग्नल में ही आप छोटी सी सावधानी रख लो तो आपको गारंटी है कभी कैंसर हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, सिर दर्द नहीं होगा कभी। मेरे को आज तक सिर दर्द नहीं हुआ, आज तक सिर दर्द नहीं हुआ, आज तक हाथ पैरों में दर्द नहीं हुआ। लोगों आदत पड़ जाती दबाने की, मालिश कराने की, नहीं कुछ नहीं, पूरी फिटनेस है, लीवर किडनी सब अच्छी है, अभी चेक करा ले यार। मतलब हम छोटे छोटे सिग्नल, जैसे छोटा सिग्नल, जैसे आपको सर्दी हुई, छींक आई, ये छींक रोग का सिग्नल है। छींक ये कह रही है कि तुम्हारा पेट खराब है। हाँ वो तो खराब है, अरे तो खराब है तो सही करो, खराब है का क्या मतलब? नहीं तीन दिन से पेट साफ नहीं हो रहा, वैसे तो ठीक है। ऐसा तीन दिन से नहीं, तो तीन ही दिन तो बीमारी के हैं। वर्ल्ड की पहली बीमारी का नाम है मनुष्य की पेट खराब। पेट खराब की पहली पहचान यह है कि एक मिनट में पेट साफ नहीं होता। यदि एक मिनट में पेट साफ होता है, माने आपका अब कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं है जो कह रहे हैं। एक मिनट पेट साफ होता है तो हम उसे समझते ही नहीं, बस इतनी सी बीमारी वो कुछ नहीं है, सर्दी हो गई। तो हम क्या करते हैं, पेट सही नहीं करते, वो काली दे देना दूध में, वो क्या कहलाती, काली मिर्ची डाल दो, सौंठ डाल दो, लौंग डाल दे और डाल दो, थोड़ी उकाल दो अच्छे से, पी गए। हाँ देखो सर्दी का इलाज अब ठीक नहीं आ रही, अब सर्दी नहीं हो रही। देखो लेकिन तुमने देखा है जब भी सर्दी रोकी है तो कफ बन जाता है, यहां फेफड़ों में कफ जम जाता है। उकाली पीने की सजा ये है, सजा कह रहा हूं, सजा उकाली पीने की सजा, कि नाक तो नहीं बह रही अब, छींक नहीं आ रही, लेकिन अब आपकी श्वास नली में सूजन आ गई। खांसी का मतलब होता है श्वास नली में सूजन, पर्याप्त तो ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पा रहे हो फेफड़ों में, फेफड़े पर्याप्त तो ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पा रहे, इसलिए वो ताकत लगा के खांसता है। खांसता माने ऑक्सीजन लेना चाह रहे हो तो खांसी जल्दी, वो करे क्या होता है। अच्छा लेटती ना, लेटने में खांसी ज्यादा चलती, काम में तो नहीं चलती, चलते फिरते इतनी खांसी नहीं चलेगी। आप काम करते हो खांसी नहीं, लेटते से, अब लेटते से फेफड़े सिकुड़ती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती तो खांसी शुरू हो जाती है। मैंने उसको अपन समझते नहीं। अब जब हमारी सर्दी रुक गई, कफ बन गया, अब कफ बन गया तो खांसते हैं, कफ इतना जम जाता खींच खींच के निकालते तो अभी नहीं निकलता, और ऐसा नहीं कि निकाल लिया तो हमने निकले, एक सेकंड बाद फिर निकलता है, फिर निकलता है, फिर निकलता है, अपन परेशान हो जाते हैं, फिर खून तक आने लगता है, फिर हमने एक दवाई वो ले ली किसी के कहने से, तो अब कफ और सूख गया तो अब निकलना ही बंद हो गया, तब खांसी मतलब वो यहां तकलीफ नहीं दे रहा हो, निकालने की प्रॉब्लम नहीं रही। अब क्या हो गया कि अब ज्वाइंटिस हो गया, उससे लीवर वीक हो गया, पेट तो खराब था ही ऑलरेडी शुरू से ही, उससे लीवर खराब हो गया, तो ज्वाइंटिस की बीमारी हो गई, पी लिया हो गया, अब खींचते रहे तो टीवी हो जाती फेफड़ों की, पहले फेफड़ों की टीवी, कब बिगड़ते 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 फेफड़ों की टीवी हो जाए, फिर उधर पानी बनने लगता है तो फेफड़ों में पानी भर जाता है, फिर निमोनिया हो जाता है। ये क्रम बता रहे बीमारियों के बढ़ने का,
फिर तुमने लीवर की दवाई लेना शुरू कर दी, पेट सही नहीं करा, लीवर की दवाई ली सब किडनी डैमेज हो गई, दो किडनी डैमेज हो गई उनकी दवाई खाई सब कैंसर हो गया। कैंसर लास्ट स्टेज में होता है जिंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं कि पहली स्टेज में आपको पता नहीं लगा था, आप उसको बर्दाश्त करते रहे। ये तो हो गई बीमारी का रोड मैप, तो सब सुधारने के लिए क्या करें? बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल, जिससे आपकी आंतें एक्टिव हों वे सारे काम करो। रुक क्यों गया हमें? आजकल की महिलाएं नीचे बैठ के आटा तो पीसना खत्म ही हो गया, कूटना खत्म हो गया, झाड़ू पहुंचा लगभग, बैठ के करें तो नौकर आ गए मान लो घर में, तो नौकर करते, आप देख लें नौकर स्वस्थ रहते हैं। जितनी घरों में सेठानी होती हैं, सेठानी खाएंगी दो फुलके, इतना सा चावल, और नौकर खाता है आधा किलो आटा, उसका पेट करता बढ़ गया, खूब मेहनत करता है, झाड़ू पहुंचा, कूटना, कपड़े पर निचोड़ना, ये सब काम करता है वो। नौकर स्वस्थ होंगे देख लेना, नौकर मोटे नहीं मिलेंगे आप, नौकर सिले मिलेंगे बिल्कुल, पूरे काम करते हैं। अब काम बढ़ाओ, पेट की एक्सरसाइज होने दो। 6.5 मीटर की आंत होती है, 6.5 मीटर मतलब उस दीवार से यहां तक कितने मीटर हो गए अंदाजन? इतना ही होगा। अब इतनी बड़ी आंत है और इतनी पतली आंत है, इतनी पतली, अब इसमें जो भोजन आपने डाला है वो 6.5 मीटर सरके कैसे? और सरकने में एक दिक्कत और है इसके अंदर, इसके अंदर इसको रिटेन करता है भोजन को, पानी को रिटेन करता है, तो इसके अंदर की डिजाइन ऐसी है, मैंने रिसता है, जैसे इसमें से पानी यहां से रिसेगा तो यहां से रिसेगा, फिर इसका पानी अगले इसमें आएगा पानी, फिर अगले अगले में आएगा, ऐसे भोजन सरकते सरकते आता है। तो आप जो रोटी सुबह खाते हो 18 घंटे बाद पहुंचती है वहां तक, 24 घंटे तक लग जाते हो उसमें पहुंचने में, वहां से वहां तक, यहां से वहां तक सरकने में, पानी दूध सब वहां तक सरकने में समय लगता है। बेटे लाइट बंद कर दे इसका, आई समझ में आया? तो अपन ये चीज समझते ही नहीं, तो फिर हम क्या करें? खूब तो व्यायाम करनी पड़ेगी आपको, और ब्लड की कोई दवाई समस्या ठीक नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। व्यायाम करा, अब पेट सही, पूरा शरीर सही, सिर दर्द नहीं हो सकता कभी भी। किसी को सिर दर्द हो, अब हम नहीं बताना चाह रहे फिर भी बता रहे, तो एनिमा दे दो उसे, सिर दर्द ठीक हो जाए। गैस कहीं भी भर गई हो, चढ़ गई हो, एनिमा दे दो, गैस सही हो जाए। कहीं भी कई बार भर जाती इधर इधर हड्डियों में, कहीं भी सिर में भर जाती, पेट साफ कर दे। अब एनिमा से करो और क्या करें? तो ये तो हुई बात, इलाज ये है। अब फिर वापस वहीं से इलाज शुरू करते हैं, कहां से? छींक आई, छींक आई मैंने पेट खराब, सर्दी बहने वाली सर्दी हो गई मैंने पेट खराब, तो फिर क्या करें? उस दिन भोजन बंद कर दें, कोई भी प्रकार का अनाज नहीं खाना है, छींक आई है तो हाँ छींक पे भाई पहले भी संभर कर दो ना, हाँ पहले ही कर दो बंद, आगे बढ़ेगी क्या बीमारी? छींक आई है भोजन बंद, अनाज बंद कर दे, एक दिन नींबू पानी पे रह जा, ओनली नींबू पानी एक दिन, जिंदगी में इससे सस्ता इलाज नहीं हो सकता, आपको कैंसर नहीं होगा, लाखों रुपए नहीं लगेगी, जॉइंटिस नहीं होगा, गारंटी हमारी, पूरे शरीर की कोई बीमारी नहीं होगी, कोई भी। आंखें खराब क्यों हो जाती है? चश्मा क्यों लग गए? कोई पेट खराब होने से? सर्दी आप सर्दी में आपने उपवास कर लिया होता नींबू पानी से, आंख कभी खराब नहीं हो सकती आपकी। ठीक नेचुरल डस्ट से नहीं हो सकती? नहीं, वो निमित्त है, वो डस्ट तो निमित्त है। मार्बल वाले काम करते हैं, मार्बल वाले इतनी श्वास में जाती है उनकी, मार्बल की पाउडर उड़ उड़ कर, उन्हें कुछ नहीं होता, कहीं छींक नहीं आती। मैं फिर कह रहे एक ही चीज सही करनी है, नींबू पानी पी लो बढ़िया भर पेट, दो तीन बार गर्म गर्म पानी में बना करके, छींक सही हो जाएगी और इधर ही पेट साफ हो जाएगा, उस दिन पेट साफ हो जाएगा।
इसके बाद क्या करो, मान लो सर्दी है, रनिंग नॉइज, जब तक रनिंग नॉइज सही नहीं हो जाए आप केवल नींबू का पानी पी लीजिए, फिर भूख लगे तो सब्जियां उबाल लीजिए 300-400 ग्राम, 1 लीटर पानी डाल दीजिए उसमें और अच्छे से सत निकल जाने दीजिए सब्जियों का, चम्मच से उसे पी लीजिए। भूख लगे तो अमरूद खा लीजिए उबाल करके चबा चबा करके, सब्जियां खा लीजिए, सलाद खा लीजिए, नारियल खा लीजिए, आपके 3 दिन में सर्दी बिल्कुल बराबर। 3 दिन में सर्दी सही नहीं करना, ध्यान रखना पेट सही करना है, ये सब चीजें पेट सही करेंगी आपकी। भोजन करने में जिस दिन आप तला खा रहे हो, तला भजिए खा ली, अब बनते हैं कभी ना कभी तो खाएंगे, रोज एक साथ नहीं हो, उस दिन रोटी मत खाइए, दाल चावल मत खाइए, खीर मत खाइए, भजिए 10-12 खा लीजिए, जैसी उम्र हो, 14 साल का बच्चा हो तो 20 भजिए खा ले, 25 साल के हो तो 15 भजिए खा लो, 50 साल के हो तो 5 भजिए खाओ, 10 भजिए खाना 10 भजिए खा लो, फिर रोटी मत खाओ, दाल चावल मत खाओ, पूड़ी मत खाओ, फिर सब्जी सलाद खाओ, उसके बाद नारियल की चटनी खाओ, नारियल पानी पियो, नींबू पानी पियो भरपेट, अब भजिए खा लो कोई बात नहीं। खीर खाना है, एक कटोरा भर के खीर खा लो, आधी तबेली खीर खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोटी मत खाओ। अब हमने खीर भी गरीश खा ली, और खीर खाने का गलत तरीका क्या होता पता है, पहले हमने 4 रोटी खाई थी और 1 कटोरा खीर भी खा ली, क्यों, खीर खाने में चबाना तो पड़ती नहीं है, सरकाना पड़ती है हम घुटकती जाते दर 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 दर, इसलिए सर्दी हो जाएगी, अब आपको पेट खराब हो जाएगा। खीर खाना हो चम्मच से मत खाओ, खीर खाना हो 2 उंगलियों से खाओ, माने अंगूठा ले लो 2 उंगलियां ले लो, अब जितनी आएगी उतनी खाओगे, ऐसे नहीं भर भर के खा रहे, ऐसे नहीं, कौन सी मशीन होती जिसका ऐसा डिजाइन बना रहता है, LPG क्या नहीं, कोई नया क्रेन जैसी नहीं होती, क्या कहलाती है, अरे कुछ नाम हो, जेसीबी ऐसे नहीं, तुमने JCB जैसे हो खीर खाना है ऐसे खा, रबड़ी खाना तो एक उंगली से खाना है, हाँ एक उंगली से खाना है रबड़ी, एक उंगली से खाना है रबड़ी, जी अब वो लार के साथ मिक्स होगी तब तो पचेगी, तरीका बता रहे हैं हम, तुम 250 ग्राम रबड़ी खा सकते कोई दिक्कत नहीं, और वैसे 50 ग्राम नहीं पचा सकते, उसके बाद सलाद खाओ सब्जी खाओ, क्यों, रबड़ी खाना बुरी चीज नहीं, बहुत अच्छी चीज है, ले हम लोग खाना नहीं जानते, रबड़ी जाएगी तो ऊपर से नीचे तक जहां जहां भी सूखापन होगा वो चिकनी करती हुई जाएगी पूरी आंतों को, इसलिए हम सबसे पहले दूध पीते हैं, पहले नींबू पानी पीते हैं हम भोजन में, फिर इस बार दूध पी लेते हैं भरपेट अच्छे से, और फिर 2 रोटी खा ली, 3 रोटी खा ली, बस अच्छी होगी, दलिया खाया इतना सा खा ली थोड़ा सा तुम्हारे मन रखने के लिए, हमारा मन तो खत्म ही है, हमें रबड़ी बोला जी तुम्हारी ये चीजें नहीं खाने की इच्छा होती कोई, हमारा भोजन तो पूरा हो चुका है, 90% भोजन वो ये बस नींबू का पानी और दूध, इसके अलावा ठीक है हम नहीं वो थोड़ा सा खा लेंगे, 24 घंटे निकल जाएंगे खत्म हो गए, पेट बिल्कुल सही है, 1 मिनट में पेट साफ हो जाएगा। तो ये चीज गलती करते 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 अब वो जो कप सूख गया ना वो गठिया वाय बन गया, गठिया वाय माने कफ की लास्ट स्टेज, माने हमने पूरी जिंदगी उन्हें सुखाया है, कई लोगों गांठें बन जाती हैं जगह जगह शरीर में गांठ बन जाती है, हम उनको अवॉइड करते चले आते हैं, सो ठीक है ठीक है ठीक है, और ज्यादा हुआ ना तो कर्म को उदय है, कर्म का उदय नहीं है जी अज्ञान है, तो हमने आपको इतना बिल्कुल शुरू से बता दिया ठीक सही, अब गठिया वाय में जितने वर्ष लगे होंगे उतने महीने लगेंगे इलाज में, इसमें आपको यदि पूरा सही करना है गठिया वाय पूरा, तो जितने साल हैं उतने महीने तक आपको अनाज नहीं लेना है, ये फिर तो हम मरे ही हैं, फिर काम कैसे करेंगे, अब जी चिंता तो मत करो जी हम करेंगे, जी हम नहीं करेंगे।
एक सप्ताह नींबू पानी पे रहो, संतरे के जल पे रहो, रस पे रहो, संतरे के रस पे रहो, अनार के रस पे रहो, रहते रहो। लेकिन इससे सर्दी होगी फिर अब कब निकलेगा, क्यों कब निकलने की विधि हो, सर्दी होगी। अब हम सर्दी से डर जाते हैं। देखो हमने कही थी नींबू मत खा, देखो सर्दी हो गई। कई लोगों ने देखा होगा, देखो नींबू खा लिया, देखो सर्दी हो गई। देखो तुमने ठंडे पानी से ना लिया, वो सर्दी हो गई। ठंडा पानी चिकित्सा है निकालने के लिए कफ। इसलिए जब बच्चे पहली बरसात में नहाते हैं उन्हें सर्दी हो जाती, पहली बरसात में नहाते तो चार महीने का जो जमा हुआ था ना जो, वो पहली बरसात की बारिश में छींक बन गया और कफ बन के निकलता, वो छींक वो क्या कहलाता, वो सर्दी होकर के। सो घर वाले कहते थे हमने कही थी और नहा लो ठंडे पानी में, सुनो रोज नहाने दो उसे, तीन दिन में उसकी पूरा कफ सही, केवल नहाने मात्र से ठंडे पानी में। बच्चों को नहाने से मत रोको, धूप से मत रोको। ये वो धूप में एलर्जी हो जाती है, एलर्जी नहीं हो जाती, धूप अंदर के जमे हुए विकार को निकालता है। ऐसा खुजली हो जाती है, खुजली नहीं हो जाती है, उखाड़ रहा है वो। मैंने हमारी ये सोच है ना जी प्रकृति के विरुद्ध है। खुजली हो जाना बहुत अच्छी चीज है। खुजली का मतलब अब जैसे क्या कह रही, वो हो जाती है दाद, खाज, खुजली, निशान निशान पड़ने लगती है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा पूरा मांस गंदा हो चुका है। अभी तो सर्दी बन के निकल रहा था वो, तुमने निकलने नहीं दिया उसको। ब्लड खराब होते होते तो मांस बनता है, ब्लड से मांस बनता है, तो सारा मांस खराब है तुम्हारा। अब जहां पर उसे निकलने की जगह मिलती वहां से निकलता है वो, जहां से निकलने की जगह मिलती वहां से निकलता है। सो तुम कहते हो वो रिएक्शन हो गए, रिएक्शन नहीं है जी। अब फिर क्या करें, तो सारी बीमारियों का इतना इलाज है नींबू का पानी, सूप, लौकी टमाटर का सूप पियो, भरपेट भरपेट पियो, तीन बार पियो, चार बार पियो, कोई दिक्कत नहीं। सब्जियां खा लो, फिर एक सप्ताह बाद कच्ची सब्जियां खाओ, कच्ची सब्जी समझ गए, जैसे ककड़ी खाते हो ऐसे तोरी खाना सीखो, गिलकी खाना सीखो, एक छील ली बहुत मीठी लगेगी ककड़ी जैसी मीठी, एक तोरी एक गिलकी खा लो, उसके साथ खाते जाओ भोजन के साथ। जैसे तुम लोगों हो तुम्हें भी यही करना है, भोजन के साथ ये खाते जाओ। नींबू पानी सस्ता सुंदर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। डाब फिर भी महंगा है, नारियल की चटनी घर में रोज बना लो, चाहे एक नारियल की चटनी बना लो, मरीज के लिए एक नारियल की चटनी सुबह शाम में दे दो, कोई भी मरीज हो कोई भी, उसे एक नारियल की चटनी दवाई है उसकी, हाँ दे दो सुबह शाम आती है चटनी, दवाई है ना वो, तो दवाई में बहुत नारियल माने दी बेस्ट, दी बेस्ट है, इसमें सब है तुम्हारा, सब कुछ जो जो तुम्हें चाहिए वो सब मिनरल्स हैं इसमें, हैं आ जाती है तो बस सब सब है वो, सब दे दो, समझ आया। जब भी कोई बीमारी हो यही इलाज है बस, सब बीमारियों का इतना इलाज है और कुछ करने नहीं लग सकता। नहीं गांव में मिलता है नहीं मिलता है, जिन्हें मिल जाता है ले लो, नहीं मिला हमें कोई जरूरी नहीं। नारियल पानी नहीं मिल रहा, सब्जियों को उबाल के पानी बना लो, वही पानी नारियल पानी बन गया। जो मिले कच्चा नारियल खा लो, सूखा सूखा खा लो, कोई दिक्कत नहीं। चबाओ अच्छे से उसकी चटनी खा लो, कोई दिक्कत नहीं। दस लक्षणों में बहुत दिक्कत आती है, दस लक्षणों में हरी तो खाना नहीं है, नींबू लेना नहीं है, तो आंवला पानी लो, खाली पेट आंवला पानी लो, एक गिलास दो गिलास आंवला पानी बना लो, गुड़ डाल के, इलायची डाल के, सौंफ डाल के, और दो चार घंटा भीग रहे दो सब चीजों को, और भोजन के समय ले लो उसे, कोई बीमारी नहीं होगी आपको आंवले के पानी से, और सब ठंडी ठंडी चीजें। अब इसके बाद दाल रोटी कढ़ी जो भी खाते हो कम मात्रा में खाओ। हम क्या करते हैं उसे ज्यादा खा लेते हैं, और वो उसके साथ कुछ है ही नहीं निकालने के लिए, उसके स्थान पर दूध पीने की आदत डाल लो। जैसे जो मैंने डाल रखी वो इसलिए डाल रखी कि एक बार जैसे हमारा अंतरा आ जाए तो मुझे 24 घंटे कोई विकल्प नहीं है, दूध और नींबू का पानी, दूध और तुम्हारा वो क्या कहा था मैंने आंवले का पानी, और इसीलिए हम दलिया ले लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा दलिया ले लिया छुट्टी हो गई। माने ऐसे भोजन करो, तो नारियल की गरी खूब डालो, दस लक्षण में अष्टमी में चौदस में एक नारियल की गरी दाल में डाल दो, चावल में डाल दो, जो जो बनाते हो लौंजी बनाते हो उसमें डाल दो। एक्चुअली ड्राई फ्रूट इसलिए खाते थे अष्टमी चौदस,
कि हरी सब्जी तो खानी नहीं है, तो नारियल का प्रयोग करते थे हलवा में, खीर में, चावल में, सब्जियों के रूप में, चटनी के रूप में, लौंजी के रूप में नारियल इसलिए डाला जाता था पेट सही करने के लिए। इतने मिला जाके बस सब इलाज बताती सबकी, कोई सी बीमारी हो इतना ही करना है बस, सब्जी सलाद खाओ, फिर धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे, अब एकदम तो भोजन रोटी छूटेगी नहीं ना, भूख लगेगी तो एकदम मत छोड़ देना, चार रोटी खा रहे तो तीन खाओ, बाकी सब्जी सलाद खाओ, अगले दिन में दो दिन में दो खाओ सब्जी सलाद बढ़ा दो, फिर एक खाओ सब्जी सलाद खाओ, फिर अंतिम दिन में रोटी बिल्कुल मत खाओ, दलिया खाओ, दलिया खाओ, और आटे के छानने का जो चोकर निकलती है चोकर, उसका इस्तेमाल दवाई है, सब्जियों में डाल दो, दाल में डाल दो चोकर, फेंको नहीं, उस चोकर की रोटी बना लो, उस चोकर की दलिया में डाल लो, मतलब वो चोकर दवाई है। मूंग की दाल की मंगोड़ी बनाती है तो उसमें छिलका मत फेंको, छिलका काम की चीज है, मूंगफली है, मूंगफली के छिलके मत निकालो, मूंगफली के छिलके निकाल दिए वो ही बीमारी की जड़ है, और छिलके फाइबर है सही करने वाली चीज है, बादाम के छिलके मत निकालो, छिलके छिलके ही तो काम की चीज थी, और क्या, माने जो चीज पाचक है वो पाचक है, वो पचाने वाला था वो ही निकाल दिया अपन ने अच्छे देखने के चक्कर में, तो ये गलतियां बहुत हो जाती हैं ऐसे, यानी आंवला खाने की विधि नहीं आती, जैसे आंवला सुखा लिए तो आंवला शरीर के, अब तीन बार गर्म पानी में मसल मसल के तीन बार धो दिया उसे, अब वहां तो सब निकल गया, अरे तुम ही सुना ले फिर आगे तुम्हें सुने आदमी हमें सुनेगा, एकाग्रता भंग होती है ना, एक बात समझ नहीं पाए दूसरी तीसरी कह दी, अपने मैंने ये समझने की जरूरत है, हमने जब आंवला धो लिए थे सुखाए थे और कपड़े के ऊपर रख के सुखाए थे, कपड़े से ढक दिए थे, कपड़े के ऊपर रख के कपड़ा ढक के सुखाए थे, अभी शुद्ध है बिल्कुल, और वैसे वैसे भर के रख लिए, अब शोधन कर लो और जरूरत हो तो पानी डालो एकदम निकाल दो, रगड़ो नहीं ऐसे ऐसे एकदम निकाल दो और वो से पानी भिगो दो, एक बार निचोड़ दो, बस निचोड़ दो मतलब बस कर डालना है, मसलना नहीं है, वो दाल चावल थोड़ी हो, वो तो पहले ही धोके सुखाए अपन ने, उसमें पूरा सत्य निकलेगा। घरों में किसमिस है ये सब चीजें लोग क्या करते हैं, भिगो दिया तीन बार निचोड़ दिया और सब असली माल तो फेंक ही दिया, अब वो ना तो वहां में कुछ बचा ही नहीं, मतलब कुछ बचा ही नहीं, तो ऐसे और चीजों में भी ध्यान रखना, मेथी का पानी दवाई है, मेथी उबाल के अपने पानी फेंक दिया और सूखी सूखी खा रहे हो, तो उसमें गुड़ डाल दिया, सामान डाल दिया, लौंजी बना दी, नहीं, मेथी का पानी दर्द निवारक है, मेथी का पानी कभी नहीं फेंकना, आंवले का पानी उबाल करके नहीं फेंकना, ऐसे कोई भी चीज, सब ये दवाइयां हैं, इतने करना होगा, कुछ नहीं करना, उन्होंने बता दिया सब आपको, और फिर अपने आप सही होगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना। अब इसमें एक चीज होगी वो समझ लो, पहले सर्दी होगी, बुखार आएगा, जल्दी हमारा इलाज करोगे ना, इसमें बुखार आएगा, सर्दी आएगी तो तुम डरना मत, लोग फिर ये कहेंगे बुखार इसलिए आया, हम भी कह रहे इसलिए आए, बुखार आने का मतलब है जिस दिन बुखार आ जाएगा उसकी और कोई दवाई मतलब नहीं, एलोपैथी केवल आपको ठंडा पानी पीना है चम्मच से, वो भी चम्मच से, गिलास से नहीं पीना है, एक गिलास पानी पीने में 15-20 मिनट लगना चाहिए बुखार में, नहीं तो एक कटोरी से पियो बस चम्मच से, हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पियो। बेल आपके यहां बहुत अच्छा है लीवर के लिए, बेल का फल रोज खा सकते हो आप, सुखा के रख लो, चार टुकड़े पानी भिगो दो और ले लो, लीवर हमेशा, कभी ले 52 मत लो, कॉड लीवर ऑयल होता है वो, माने मछली का तेल होता है वो, कभी मत लो, कोई कैप्सूल मत लो लीवर के लिए, हमेशा केवल चार टुकड़े भिगो दो पानी में, उबाल लो अच्छे निचोड़ लो ऐसे, और वो पानी पी लो, लीवर के लिए सबसे अच्छा है। बाकी जो हमने जो बताया ना सूप सब्जी सलाद, लीवर अच्छा करता है, पेट अच्छा करता है, एक मिनट पेट साफ होगा, बाकी ध्यान जरूर करनी है पेट की, बैठ करके पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ बैठ करके, कपड़े धो निचोड़ो अच्छे से, इतना तो करना ही कम से कम, चाहे कोई हो, शॉर्ट में बता दिया
और एक रिकॉर्डिंग उनको ही बता देना है, यही उन्हें करना है, खाने पीने में सुधार करना है और वो करना है। थोड़े दिन के लिए कहें घी दूध बंद कर दो, भले कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई जितना परिश्रम करते हो ना उतना खाओ, रोटी उन्हें खाना चाहिए जो पसीना बहाते हैं, हम पसीने नहीं बहाते तो फिर रोटी मत खा, फिर उसी हिसाब से सब्जी सलाद ज्यादा कर लो, बस खत्म। वैसे भी हमारे भोजन में 70% तरल पदार्थ होने चाहिए, 30% रोटी दाल चावल होना चाहिए। क्यों? हमारी बॉडी में 70% हार्ड बॉडी है, क्या कहलाती है, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो 70% हार्डवेयर है इसमें, हड्डियां ये सब बहुत हार्ड, 70% है और 30% खून है, तरल है मतलब, तो ऐसे ही भोजन होना चाहिए। अब होता क्या, हम भोजन ज्यादा कर लेते हैं और तरल कम रहता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो पेट सही करने के लिए बहुत जरूरी है। बाकी ये इसे करोगे दी बेस्ट है। अभी हमने कोई दवाई नहीं बताई, हल खाओ त्रफला खाओ, हमने नहीं बताया, हमने नहीं कहा, आप केवल यही कर लेना, इससे ही सही हो जाएगी बस। फिर थोड़ा सा एक दो काम और, पुरानी कैसेट सुन लोगे हमारी, उसमें हमने सारी इलाज बता दिए, क्या कहलाता ये टॉन्सिल और जो क्या कहलाता तुम्हारे साइनस, इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, यही करना है सर। फिर भी आराम मिल जाए, बच्चे जैसे टॉन्सिल हो जाए तो भी यही करना है, कुछ एक इलाज ही इतना सही है। तो एक टॉवल पेट पे रखना है रोजाना, जिनकी जब तक बीमारी, जब भी किसी को भी कोई बीमारी हो, एक पेट इतना बड़ा टॉवल आता है नेपकिन, उसे निचोड़ के इस पे रखो पेट पे, नाभि को सेंटर करके, और एक सिर पे रखो और एक गले पे रख दो, एक दो तीन पट्टियां रोज रख दो, तो आपको जिंदगी में 90% तकलीफ नहीं होगी। अब इतनी सी पट्टी में काम हो जाए एक। दूसरा, जिनको सूखी खांसी आती है, सूखी खांसी वाले को सिर पे कपड़ा रख करके धूप में खड़े हो जाओ, 15 मिनट आगे 15 मिनट पीछे, 30 मिनट धूप ले लो आगे और पीछे। रात को यदि तकलीफ हो, उस धूप तो नहीं मिलेगी रात को, तो पीठ पे और चेस्ट पे किसी से रगड़वा लो, यस 15-15 मिनट, 10-10 मिनट। 15 मिनट इसलिए कहते हैं कि वो 10 ही मिनट कर पाओगे, 5 मिनट में हाथ धोने लगेंगे तो करेंगे नहीं ढंग से, आगे पीछे लाल हो जाए बिल्कुल आगे पीछे। फिर टॉवल निचोड़ करके, जो बॉम्बे डाइंग का आता है रुएं वाला मोटा, इतना चौड़ा था, उसे निचोड़ के और हाथ ऐसे ऊंचे करके दूसरे आदमी से बंधवा लो उसे टॉवल, इसको कहते हैं चेस्ट पैक, और एक सिर की पट्टी लगा लो और फिर ऊपर से सारे कपड़े पहन लो और रजाई ओढ़ के सो जा। तो कितनी भी खांसी चल रही होगी रात को सोते समय कितनी भी खांसी चलेगी, 5 मिनट के अंदर कंट्रोल हो जाएगी और आराम से नींद आ जाएगी, उसे पहने पहने सो जा। 5-7 दिन कंटिन्यू करोगे तो पूरा कफ निकल जाएगा, इसका पूरा निकल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सवाल मिला है बस। सूखी खांसी इससे करना है, और जो क्या कहला जिनको क्या बोला बताएगा गठिया हुआ है, उनके लिए भी लगाना है, उनके लिए भी रोज चेस्ट की पैक लगानी है, पेट की लगानी है, चेस्ट पैक, गला, सिर, गला माने जरा भी गला खराब होता तो गले पे लगा लो, एक दो तीन ये लगाना है। पैर ठंडे नहीं रखना है, कभी कोई को भी पैर ठंडे नहीं रखना है आपको, जैसे जमीन है ये ठंडे होते हैं, आप घरों में भी ऐसी जमीन है तो हम आपको नहीं बचा सकते, हो सके तो मकान बनाने में कभी इनका प्रयोग ही मत करो, सबकी बीमारी की मूल जड़ है, बाल गिरने की मूल जड़ है, आंखों में चश्मा लगने की मूल जड़ है। पैर ठंडे किसी कीमत पे नहीं होने चाहिए। रात को बाथरूम गए, पैर धो के आए, रगड़ रगड़ के गर्म करके सो, सूखे कपड़े से रगड़ रगड़ के और इन्हें सुखा लो, ताकि इनमें पानी रुक जाता है तो कई बार यहां गल जाती है, कई लोगों को गल जाती है यहां पर, तत्काल सफाई करो। जिन्हें गल जाने की बीमारी हो, खासतौर से जिनकी उंगलियां चिपकी रहती हैं पास पास, तो इसमें रोज तेल लगाओ उठते से, फिर बाथरूम जाओ, फिर लेटरिन जाओ, फिर नहा दो तो गलेंगे नहीं, और धूप मिल जाए तो ऐसे पैर करके बैठ जाओ धूप में, जैसे यहां धूप लगेगी कुछ नहीं लगानी, कोई दवाई नहीं लगानी, कोई हल्दी पाउडर नहीं लगाना, कुछ नहीं,
धूप में ऐसे रखे रहो, धूप नहीं मिले तो ताप हो। पहले लकड़ी जलाते थे हाथ तापने के लिए, सिगड़ी हो घर में, ये इलेक्ट्रिक सिगड़ी से ताप लो, ऐसे गर्म करके सो लेंगे। आलस नहीं करना इसमें, नहीं तो बहुत भयंकर हो जाती है। मैं हो गई इलाज, इतना से इलाज मैंने, गर्म करो सभी लोग ये समझ लो। तो महिलाओं के चौके में लकड़ी बिछवा दो, लकड़ी बिछवा दो, चौके में बहुत रहना पड़ता है, चौके में इनके बहुत हालत खराब हो जाती है। और जिनके सूरज नहीं आता चौके में, उनकी तो बेचारी मट्टी पलीत है, पैर पैर ठंडे किसी भी कीमत में नहीं होने देना, तेल लगा लो सर्फों में ऐसे पैरों में नहाने धोने के पहले ही, बिल्कुल रात को सोते समय लगा के सो। छोटी छोटी बातें हैं, इतनी सी जानकारी में तुम्हारा कोई बीमारी नहीं होगी। अब इतनी सी मालूम नहीं ना, तो इतने से बच्चे के साथ मम्मी वो ही कर रही, सर्दी रोक देते हैं, खांसी चलने लगती है उसे, फिर ये रोक देते हैं, दवाई दे दे के विटामिन क्या दे देते हैं बच्चे मार्केट से लाकर, तो उसका फिर लीवर खराब हो जाता है। अपन कह रहे बच्चे का लीवर कमजोर है, बच्चे का लीवर कमजोर हमने कर दिया। पंडित जी न्यूमोनिया हो गया हमारे बच्चे को, तो तुमने गलती करी ना, सर्दी रोक दी उसकी। छोटा बच्चा होता है ना, सर्दी निकलती सबको बुरा लगता है, बार बार टपकती दिखती है, तो हम उसे रोक देते हैं। तो मैंने अस्थमा की बीमारी मम्मी की कृपा से होती है, कुछ नहीं देना कुछ, हाँ वो हमने बोले नहीं, कहते देने नहीं कुछ, कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं है। छोटा सा बच्चा भी हो, छोटा सा बच्चा एक दूध पीता हो, तो बच्चे का इलाज बिल्कुल नहीं करना, मम्मी का इलाज करो, मम्मी का पेट सही करो, मम्मी का पेट सही होगा बच्चे को दूध सही मिल जाएगा, बस वो अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, उसे उसके इलाज बिल्कुल नहीं करना। और मम्मी नहीं जानती, इतने से बच्चे को लेकर नर्सिंग होम चली जाती, उसने इंजेक्शन ठोक दिया, गोली दे दी, सही रब दे दिया, बिल्कुल नहीं देना यदि मां का दूध पीता है तो, मां का बहुत पेट सही करो बस। सब्जी सलाद खाओ जितने खा सकते, सब्जी सलाद खाओ, इतने करना सारे रोगों के इलाज, इतने शॉर्ट में बता दिए। चलिए।